पूरनमल अपने महलों की तरफ रुख करता है। और जब महलों की तरफ रुख करता है तो मौसी नूना दे जब पूर्णमल को देखती है तो देखते ही उनके रूप पर प्रभावित हो जाती है। अपना प्रेम प्रस्ताव पूर्णमल के सामने रखती है और पूर्णमल कहता कि मौसी जी आप मेरी माँ हो और मौसी माँ के समान होती है और उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। रानी नूना दे को प्रस्ताव ठुकराने के पश्चात बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जाकर राजा जी के पास खड़ी हो जाती है और अपनी दुहाई देने लग जाती है, कुछ स्वांग रचती है, झूठ बोलती है कि पूर्णमल को इस महल से बाहर निकाल दिया जाए, आएगा किस प्रकार से, कैसे क्या स्वांग रचती है वो आपके बीच में क्या बता दिया। ओ तेरा करेणी अंगाई, ओ तेरा पूरण मनी मेरे महल के अंदर घुस गया, मैं क्या करती बताइए, के कहने लगे बोला लड़का किसके क्या आवर उतार सकता था, के कहने लगे बोला मैं ही नहीं थी वो ठाड़ा तेरे के
आप महल के अंदर घुस चुके हो और मेरे के लिए छेड़खानी करने लगे। महाराज आपने इस बात पर यकीन करना पड़ेगा। क्या कर रही बोला लग